ना कि तुम्हारा मित्र सुदामा तुमसे मिलने आया था, इतना सुनकर ही मेरा नाथ, मेरा कृष्ण मेरे ऊपर आंसू बहाएगा। सुदामा जी ने जब यह कहा तब भक्तों एक द्वारपाल को दया आई, बोले हो सकता है कभी मित्र बना लिया हो। वह द्वारपाल गया कृष्ण के पास। उस समय कृष्ण अनेकों ऐश्वर्यों के बीच में सोने की थाली थी, सोने का सिंहासन, रुक्मणी सत्यभामा चामर डुला रही थी, बहुत सुंदर नृत्य हो रहा था, रास हो रहा था। उसी समय वह द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास आया और वह द्वारपाल कहता है, कवि ने बहुत सुंदर रचना की, शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने सो आई, बसे के ही गामा धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपा नह की नहीं सामा। प्रभु एक व्यक्ति आया है, पांव में चप्पल खड़व नहीं है, कहां से आया है? बोले वो कहां से आया है नहीं बता रहा है, परंतु फटी हुई धोती पहनी है, अपने पांव के ऊपर खड़े रहने में समर्थ नहीं है, लकड़ी का सहारा लेकर खड़ा है। शीश पगान जगा तन पे कहां से आए बसे के ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपा नहीं की नहीं सामा। क्या कर रहा है वो, मानो कृष्ण ने पूछा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहियो चकसो वसुधा अभिरामा। वो द्वार पर खड़े खड़े एकमात्र आपके दर्शन की राह देख रहा है। तब कृष्ण ने पूछा, अरे उनका नाम पूछा कि नहीं तुमने? पूछत दीन दयाल को धाम है, पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपनो नाम सुदामा है। द्वारपाल के मुख से सुदामा शब्द निकलते ही भगवान श्री कृष्ण उस सोने के सिंहासन से कूद गए, भोजन छोड़ दिया, अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, दुपट्टा सरक गया और द्वारका की उस सड़क पर कृष्ण दौड़ने लगे। द्वारका के समस्त लोग रास्ते पर आ गए कि आज तक कृष्ण इस मार्ग पर तेज गति से चले नहीं है, आज कृष्ण इतनी तेज गति से दौड़ रहे हैं, आखिर कौन आया है, किसके लिए हमारे प्रभु दौड़ रहे हैं। कृष्ण दौड़ कर सुदामा को पकड़ लेते हैं, सुदामा को आलिंगन कर लेते हैं। सुदामा की दीन दशा को देखकर कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए, सुदामा के आंखों में आंसू आ गए और गले मिलते हुए कृष्ण ने इतना ही कहा, मित्र ऐसी स्थिति हो गई, एक बार तो मुझे याद कर लिया होता, एक बार सुदामा यदि मुझे याद कर लिया होता तो ये दिन आपको देखना ना पड़ता। परंतु भक्तों उस समय सुदामा जी इतना ही कहते हैं कि श्याम सुंदर, कृष्ण यदि मैंने आपको नहीं बताया तो क्या आप नहीं जानते थे मैं कितना दुखी? जगत ईश्वर जगत स्वामी कुरुक्षेत्र की भूमि पर वेदा हम समतितानी कहने वाले आप नहीं जानते थे? कृष्ण बार बार कह रहे हैं, सुदामा जी एक बार याद कर लिया होता। दोनों एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। कृष्ण ने सोचा यदि और कुछ देर अखबार में रखूंगा तो बेचारा मर जाएगा, बहुत सुखा हुआ देह था। सुदामा ने सोचा यदि और कृष्ण को पकड़ के रखूंगा तो मेरी हड्डी उनको लग रही होगी। दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। परंतु भक्तों उस समय जगत के नाथ ने सुदामा को अपने गोद में ले लिया, उठाकर आज मेरा सुदामा आया है, अपने भक्त को उठाकर भगवान लेकर गए। भगवान कहते हैं जहां भक्त मम पद धरे
वहां धरू मैं हाथ। जहां मेरा भक्त अपना चरण रखता है वहां मैं मेरा हाथ रख देता हूं कि मेरे भक्त के पांव में चोट ना आए, कांटे या कंकर पत्थर न लगे। जहां भक्त मम पद धरे वहां धरू मैं हाथ, पीछे पीछे डोलू सदा में, कभी ना छोड़ू साथ, कभी साथ नहीं छोड़ता। आप लोग कहोगे भागवत कथा, भीष्म स्तुति, कृष्ण सुदामा का क्या लेना देना है? भक्तों, ये आज ही का दिन है जिस दिन सुदामा जी कृष्ण को मिले थे, इसलिए मुझे ये घटना याद आ गई। अतः मेरा हृदय रुक नहीं पाया। कृष्ण सुदामा मिले हैं, कृष्ण ने सुदामा को अपने सोने के सिंहासन पर बिठाया, कृष्ण चरणों में बैठ गए। कराओ पत्नियां जल और पात्र लेकर आए, तब तक तो श्याम सुंदर सुदामा के चरण को अपने हाथ में लेकर देख रहे हैं। सुदामा के चरण को देखकर कृष्ण के हृदय में बहुत दुख हुआ। ऐसे बेहाल बिहावन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इते नहीं किते दिन खोए। सखा मित्र, तुम्हारे पांव में इतनी बेवाई है, इतने कंकर हैं, इतने कांटे लगे हुए हैं। सुदामा की इस दीन दशा को देखकर, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। श्रुति और शास्त्र जिसको करुणा का सागर कहता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, संसार जिसे करुणा का सागर कहता है, आज करुणा के सागर के आंखों में से आंसू आ गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो। के लिए पानी और पात्र की जरूरत नहीं पड़ी, 16,108 रानियां पानी और पात्र अपने हाथ में लेकर खड़ी रह गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखों के आंसू से ही सुदामा के चरण को धो डाले, चरण धो दिए। इस प्रकार दो मित्र कृष्ण और सुदामा आज मिले हैं, और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा कटाक्ष से सुदामा जी के जीवन की सारी दुख और दरिद्रता का विनाश कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की सारी दरिद्रता चली गई, और वहां तो स्थिति ही बदल गई। उनकी पत्नी के लिए बहुत सुंदर महल तैयार हो गया। भगवान ने अपने जैसी द्वारिका नगरी ही सुदामा जी को दान में दे दी, लेकिन सुदामा को नहीं पता है। सुदामा तो कुछ जानते ही नहीं है। लगभग 10 दिन तक सुदामा जी कृष्ण के पास रहे, और आज से 10 दिन के बाद सुदामा जी निकले हैं, कृष्ण विदा कर रहे हैं, सुदामा जी नंगे पांव चलते हुए जा रहे हैं। कृष्ण सुदामा को छोड़, कृष्ण अब लौट जाओ। अंत में सुदामा जी कहते हैं, कृष्ण अब एक कदम भी आगे चले तो मेरी शपथ। रुक गए कृष्ण, सुदामा जी चले गए। परंतु जाते हुए जाते जाते जब तक सुदामा दिखाई दे रहे हैं, तब तक कृष्ण एक टक से देख रहे हैं, और आंखों से निरंतर अजस अविरत अश्रुधारा बह रही है। भक्तों, उद्धव जी ने पूछा, महाराज आज इतना रोना क्यों आ रहा है, आज आप इतने क्यों रो रहे हो? भगवान ने इतना ही कहा, उद्धव ये ब्राह्मण कितना पवित्र है, ये मेरा भक्त कितना शुद्ध है, इतना दुख, इतनी दरिद्रता होने के बाद भी इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा,
देखिए भगवान उस भक्त के विरह में रोते हैं जो भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, और हम लोग भगवान के मंदिर में जा जाकर भीख मांगते हैं, जय जगदीश हरे, दे दो, क्या मांगे हैं? इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया, भारत भूमि में जन्म दिया, जीवन टिक सके, हवा पानी प्रकाश भोजन भजन करने के लिए उपयुक्त शरीर, अब क्या चाहिए? परंतु फिर भी आज के लोग मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, परंतु मैं ये कहता हूं जो लोग भगवान से नहीं मांगते हैं ना, भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं। उदाओ ये ब्राह्मण कितना पवित्र है, इतना दुख, इतनी दारिद्रता होने के बाद भी एक बार भी मुझे बताया नहीं, एक बार भी मुझे कहा नहीं कि मैं दुखी हूं। और उद्धव क्या बताऊं, मैं चाहता तो मेरा सोने का रथ सुदामा को द्वारिका से पोरबंदर पहुंचा देता, मैं मेरे सोने के रथ पर सवार करके सुदामा को पोरबंदर पहुंचाता, परंतु उद्धव उद्धव ये ब्राह्मण इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि जिस जिस स्थान पर ये ब्राह्मण अपना कदम रखेगा वह भूमि पवित्र करता जाएगा। आज मैं मेरी द्वारिका को पवित्र करना चाहता हूं उद्धव, इसलिए इस ब्राह्मण को मैं रथ नहीं भेजा। भगवान भी ऐसे भक्तों को प्राप्त करके अपने आप को और अपने धाम को पवित्र करते हैं। इसीलिए तो मैत्रेय मुनि भागवत के तृतीय स्कंद में विदुर जी से कहते हैं तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, भगवान के भक्त तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं। तो भक्तों आज अक्षय तृतीया और आज ही के दिन कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था, कितना पवित्र समय है, कितना पवित्र काल है। मेरे मन में तो यह हो रहा है हो सकता है तो ये काल को मैं पकड़ कर रखूं, ये समय को मैं जाने ना दूं। आप लोग को हो रहा है कि समय रुक जाए? परंतु दुर्भाग्य है काल चक्र स्वयं भ्रमिं, एक ऐसा चक्र है कि इसे पूरी दुनिया मिलकर भी रोक नहीं सकती। अतः जितना काल हमें मिल जाए उतने काल में भगवत भजन हो जाए तो जीवन सार्थक मानो। आइए आज के दिन की और एक महिमा, तीन महिमा तो आपने सुन ली, फिर से याद करा दूं, आज के दिन वसंत ऋतु का अंत और ग्रीष्म प्रारंभ, आज के दिन द्रौपदी जी को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई, आज के दिन कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ, और आज ही के दिन जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को रथ पर सवार किया जाता है। आषाढ़ी बीज के दिन, आषाढ़ महीने की द्वितीया के दिन जगन्नाथ जी बहुत बड़े विशाल रथ में विराजमान होते हैं। तो जगन्नाथ जी के उस रथ को बनाने की तैयारी आज के दिन से प्रारंभ होती है। आज जगन्नाथ जी का रथ बनना प्रारंभ हो चुका है और आषाढ़ महीने की द्वितीया के दिन जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर निकलेंगे। पांचवी महिमा, आज के दिन परम पराक्रमी भगवान के परम तेजस्वी अवतार श्री परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था आज ही के दिन। परशुराम जी एक ऐसा व्यक्तित्व था, गौर वर्ण, लंबी जटाएं थी, और जिन दिनों में बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु महात्मा शास्त्र के सहारे लोगों को परास्त करते थे, उन दिनों परशुराम जी की यह मनोधारणा थी कि जगत में यदि शांति लानी है तो मात्र शास्त्र से काम नहीं होगा, शस्त्र हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि जगत के दुष्ट लोग मात्र शास्त्र से नहीं मानेंगे, दुष्टों को सुधारने के लिए शस्त्र की आवश्यकता है। अतः परशुराम जी अपने साथ समस्त शस्त्रों को रखते थे और सुसज्जित तैयारी रखते थे। परशुराम जी के पास धनुष पर बाण चढ़ा हुआ ही रहता था,
हाथ में परसू, जिन दिनों में क्षत्रिय अपने कंधे पर एक तरकस रखते थे उन दिनों परशुराम जी अपने कंधे पर दो दो तरकस रखते थे। ऐसे परशुराम जी का अवतार आज ही के दिन हुआ। भक्तों, परशुराम जी के जन्म की कथा बहुत विलक्षण है। अक्षय तृतीया के दिन इनका जन्म हुआ, अतः संक्षिप्त में परशुराम जी के जन्म की कथा आपके सामने प्रस्तुत करूं। भगवान श्री विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कुश, कुश के पुत्र हुए कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र हुए गादी, और गादी ने विवाह किया, और विवाह करने के बाद गादी की एक पुत्री हुई जिसका नाम था सत्यवती। ब्रह्मा के कुश, कुश के कुशनाभ, कुशनाभ की गादी। ये गादी जो थे, ध्यान से सुनिए, बहुत विलक्षण घटना है। गादी राजा जो थे वह क्षत्रिय थे, और राजा गादी की पुत्री का नाम था सत्यवती, और इन्होंने क्षत्रिय होने पर भी अपनी कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ कराया, जिस ब्राह्मण का नाम था रुचिक ऋषि। तो क्षत्रिय कन्या का विवाह रुचिक ऋषि के साथ हुआ। एक दिन के बाद सत्यवती ने रुचिक ऋषि अर्थात अपने पति को कहा, पतिदेव मुझे संतान की प्राप्ति करनी है। तो रुचिक ऋषि ने कहा, संतान की प्राप्ति के लिए मैं कल यज्ञ करूंगा, यज्ञ से चरु उत्पन्न होगा और उससे तुम्हें गर्भ रहेगा। अब क्या पता रातों रात सत्यवती ने अपनी मां को फोन लगाया होगा, गाधी की पत्नी सत्यवती की मां को फोन लगाया, माता जी मेरे पति कल मुझे चरु देने वाले हैं जिससे मैं गर्भवती होऊंगी। माता ने कहा, अच्छा तो मैं भी आने वाली हूं, गर्भवती होना है। सत्यवती की मां भी आ गई, गाधी की पत्नी आ गई, मां बेटी दोनों ने ऋचिक ऋषि से कहा। तो सास ने अपने दामाद को कहा, दामाद जी आप अपनी पत्नी के लिए चरु तैयार कर रहे हैं तो आप मेरे लिए भी कीजिए, क्योंकि मैं भी चाहती हूं मेरा भी एक पुत्र हो। कोई बात नहीं सासू जी, आप बैठ जाइए। पत्नी को भी बिठाया, सास को भी बिठाया, और यज्ञ प्रारंभ किया। और वक्तों उस यज्ञ से चरु उत्पन्न हुआ। दो घड़ा था और दो घड़े में चरु रखा गया था, उसमें श्लोक मंत्र अभिहित किए जा रहे थे। और यज्ञ के बाद रुचिक ऋषि ने अपने हाथ से एक चरु का पात्र अपनी पत्नी को दिया, एक अपनी सास को दिया, कहा आप दोनों अपना अपना भाग खा लेना, आप गर्भवती हो जाओगी। यह कहकर रुचिक ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। अब जैसे ही स्नान करने गए, स्त्रियों का स्वभाव, मां ने अपनी बेटी सत्यवती से कहा, बेटा तुम तो जानती हो संसार में सब लोग स्वार्थी होते हैं, तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए जो चरु बनाया होगा वो तो बहुत अच्छा बनाया होगा, उसमें बहुत गुण डाले होंगे, इसलिए तुम्हारा लड़का तो अच्छा ही होगा, और आज पराये को कौन पूछता है, तो मेरा चरु जो होगा वो तुमसे थोड़ा वीक होगा। अब इसमें क्या वीक और श्रेष्ठ और बेस्ट, देखो बेटा तुम तो ब्राह्मण हो और हम लोग क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों के पुत्र को राजा होना पड़ता है, पूरी दुनिया पर शासन करना पड़ता है, इसलिए बेटा एक काम करो, तुम्हारा चरु मुझे दे दो, मेरा चरु तुम रख लो। अब मां के सामने बेटी क्या बोले, सत्यवती ने कहा, ठीक है माताजी आप चाहती हो तो आप मेरा चरु ले लो, आपका मुझे दे दो। दोनों ने चरु बदल दिया और चरु खा ली। रुचिक ऋषि वापस आए, रात को सोते समय सत्यवती ने कहा, आज तो हमने बहुत बढ़िया काम किया, वो लगता है इसने कुछ गड़बड़ की है, बताओ क्या बढ़िया काम किया।
बोले बहुत सुंदर काम किया क्या? बोले आपने मुझे जो चरु दिया था वो मैंने मेरी माँ को दे दिया और मेरी माँ का चरु मैंने खा लिया। रुचि ऋषि ने सिर पर हाथ दे दिया, ये क्या किया तुमने? बोले क्या हुआ? बोले सारी गड़बड़ हो गई, पाखंड हो जाएगा संसार में। बोले क्या हुआ? बोले तुम जानती नहीं हो हम लोग ब्राह्मण है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए जो चरु तैयार किया था उसमें ब्राह्मण के गुण निहित किए थे। हमारा पुत्र ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण स्वभाव वाला पुत्र होने के कारण उसमें ब्राह्मण के गुण डाले थे, और तुम्हारी माँ क्षत्रिय है इसलिए मैंने उनको क्षत्रिय का गुण वाला पुत्र तैयार किया, चरु तैयार किया था। तो अब क्या होगा? बोले अब तुम्हारी माँ क्षत्रिय होने के बाद भी उसके गर्भ से ब्राह्मण स्वभाव वाला पुत्र प्रकट होगा। इसीलिए गाधी राजा क्षत्रिय थे परंतु चरु बदलने के कारण उनके पुत्र हुए विश्वामित्र। विश्वामित्र क्षत्रिय होने के बाद भी ब्राह्मणों का आचरण करते थे, वन में रहते थे, सन्यास धर्म का पालन करते थे और अपने आप को ब्राह्मण मानते थे, नहीं तो वे गाधी के पुत्र थे क्षत्रिय के। और यहां पर हम लोग ब्राह्मण हैं, हमें शांत पुत्र की आवश्यकता है, परंतु तुम्हारे गर्भ से घोर स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न होगा। बोले मेरे गर्भ से घोर स्वभाव वाला पुत्र? पतिदेव ऐसा नहीं होना चाहिए, जीवन दुखमय हो जाएगा, आप इसका कुछ कीजिए। बोले मैं इतना तो कुछ नहीं कर सकता हूं परंतु एक चीज अवश्य कर सकता हूं। बोले क्या? बोले तुम्हारा पुत्र जो घोर स्वभाव वाला होने वाला था, तो तुम्हारा पुत्र घोर स्वभाव वाला नहीं, तुम्हारे पुत्र का पुत्र घोर स्वभाव वाला होगा। और इसीलिए सत्यवती के पुत्र हुए जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम। आज ही के दिन जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका, ये दोनों के संयोग से, रेणुका के गर्भ से श्री परशुराम जी का आविर्भाव हुआ। बोले श्री परशुराम भगवान की जय। परशुराम जी प्रकट हुए, आइए इनकी कुछ लीला सुननी है। परशुराम जी परम पराक्रमी थे, अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। एक समय की बात, जमदग्नि ऋषि यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में कुछ जल की आवश्यकता थी, अपनी पत्नी रेणुका को भेजा, जाओ जरा जल लेकर आओ। रेणुका गई जल लेने के लिए, वहां पर गंधर्वों का विहार देखने में कुछ समय लग गया, यज्ञ का मुहूर्त चला गया। जल लेकर आई, बोले इतनी देर क्यों हो गई? जमदग्नि ऋषि ने अपने मन में स्मरण करके, ध्यान करके देख लिया, गंधर्वों का स्मरण, गंधर्वों का दर्शन करने में इन्होंने देर लगा दी। कुछ समय के बाद त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, जहां मां की महिमा बताई जाती है उस मां को काट डाला, अपने भाइयों को काट डाला, क्या ये आचरण है? परंतु भक्तों, परशुराम जी जानते थे कि यदि मैं मेरे पिता को प्रसन्न कर लूंगा तो वे कोई भी वर देने में समर्थ है। अतः परशुराम जी ने जैसे ही मां और अपने भाइयों का गला काटा, तुरंत जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हो गए, बेटा आज मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो चाहिए वो मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी दो चीज मांगने जा, रामायण में वर्णन है, चलत दशानन डोलती अवनी, जिस रावण के चलने पर यह धरा कांपने लगती थी, जिस रावण के मुख से शब्द निकलने पर गर्भवती स्त्री अपने गर्भ को त्याग देती थी, जो रावण अपने बिस्तर से खड़ा होता था देवताओं समेत समस्त लोकपाल कांपने लगते थे, ऐसे रावण को सहस्त्रबाहु ने मच्छर की तरह पकड़ लिया और वह सहस्त्रबाहु पृथ्वी, पूरे पृथ्वी पर दिग्विजय करके जंगल के रास्ते से आ रहा था, जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचा और कहा,
हमारी सेना में हजारों लोग हैं, हम सबको बहुत भूख लगी है, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। चमदग्निश ने कहा आप स्नान करके आइए, आपके लिए भोजन तैयार करेंगे। 10-15 मिनट के बाद स्नान करके आए, पूरी सेना के लिए भोजन हुआ, सब ने पेट भर के भोजन किया। भोजन करने के बाद सहस्त्रबाहु के मन में प्रश्न उठा कि जंगल में रहने वाला फक्कड़ बाबा हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था और वो भी तत्कालीन कर दी, सबने पेट भर के भोजन कर लिया, बोले इसका राज क्या है? जमदग्नि ऋषि कृपया करके आप बताइए कि इसका राज क्या है। तब जमदग्नि ऋषि ने कहा कि मेरे पास कामधेनु गाय है और उस गाय की कृपा से मैं जितना चाहूं उतना भोजन प्रकट कर सकता हूं। तुरंत सहस्त्रबाहु की नीयत बिगड़ी, बोले महाराज ये गाय आपके आश्रम में रहने योग्य नहीं, हमारे महल में रहने योग्य है। आप फक्कड़ बाबा, आपको ये गाय की क्या जरूरत, मुझे दो, मैं लेकर जाऊंगा। जमदग्नि ऋषि ने कहा भोजन करना है उतना करो, गाय मैं नहीं दूंगा। बोले मैं लेकर जाऊंगा, नहीं दूंगा। लेकर छीना झपटी हुई, उसी समय वहीं पर युद्ध हुआ और जिसके घर का भोजन खाया था सहस्त्रबाहु ने उसी को मार डाला। मर गए जमदग्नि ऋषि। अपने पति को मरते हुए देख पत्नी रेणुका ने 21 बार अपनी छाती को पीटा था। सहस्त्रबाहु चला गया कामधेनु गाय लेकर, उसी समय तत्काल परशुराम जी आए, अपनी मां को रोते हुए देखा, बोले क्या हुआ मैया? पिता की मृत्यु। और उसी समय परशुराम जी ने सोचा संसार के सभी क्षत्रिय बिगड़ गए हैं और संसार का शासन क्षत्रियों के हाथ में है, अतः परशुराम जी ने अपने हाथ में अपना दिव्य फरसु उठाया, सहस्त्रबाहु की सहस्त्र भुजाओं को काटा, सहस्त्रबाहु का वध किया, सारी सेना का वध किया, इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त क्षत्रियों का विध्वंस कर दिया और इस दुनिया का राज्य परशुराम जी ने ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया। ब्राह्मणों आप राज करो और संसार को चलाओ। परशुराम जी ने ब्राह्मणों को राजा बनाया, लेकिन जिसका जो स्वभाव होता है ना वही कर सकता है। ब्राह्मण लोग राजा की सीट पर बैठ गए, लेकिन ब्राह्मण लोग अपने स्वभाव से मजबूर होते हैं। ब्राह्मणों को लड्डू खिला दो, अच्छा भोजन करा दो, थोड़ी सी दक्षिणा दे दो, परम प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ समय के बाद क्षत्रियों का बढ़ावा हुआ, क्षत्रियगण ब्राह्मणों को अपने अपने घर पर बुलाने लगे, ब्रह्म भोजन कराए, दक्षिणा दीक्षा भिक्षा दी और इस प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन सेवा करके ब्राह्मणों को अपने वश में कर लिया। क्षत्रियों ने फिर से ब्राह्मणों को हटाकर राज्य को प्राप्त किया। परशुराम जी ने देखा फिर से क्षत्रियों का उत्थान हुआ इस भूमि पर, ये दुष्ट क्षत्रिय का उत्थान, फिर से अपना दिव्य फरसु उठाया और इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त क्षत्रियों का विध्वंस किया। भक्तों इस प्रकार एक दो बार नहीं, परशुराम जी ने देखा था मेरी मां ने 21 बार छाती को पीटा था, अतः परशुराम जी ने 21 बार इस संसार में रहने वाले क्षत्रियों का विध्वंस किया। ऐसे परम पराक्रमी अवतार परशुराम जी का आज प्राकट्य दिन है, आज ही परशुराम जी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः यह अक्षय तृतीया बहुत पवित्र मानी जाती है। और इसी के साथ आज के दिन की छठी महिमा, आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन ही देवी गंगा शिव जी की जटा से इस पृथ्वी लोक पर आई, आज ही के दिन गंगा का अवतरण हमारे भारत भूमि पर हुआ था। देवी गंगा की कथा आप सब जानते हैं, राजा सगर के 60,000 पुत्र जब भगवान कपिल देव का अपराध करके भस्मीभूत हो गए, तब उस 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए राजा सगर के पुत्र असमंजस ने बहुत प्रयास किया परंतु कुछ नहीं कर पाए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान जी ने तपस्या करके भगवान कपिल देव को प्रसन्न किया,
भगवान कपिल देव ने कहा, आपके 60,000 पितरों का उद्धार हो सकता है कब? जब देवी गंगा ब्रह्म लोक से पृथ्वी पर आए और 60,000 पितरों की अस्थि गंगा में डालो, तब इनका उद्धार हो सकता है। तब अंशुमान जी ने, उस समय देवी गंगा ब्रह्म लोक तक आ चुकी थी। भगवान वामन ने जब 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नापा, 1 कदम से पृथ्वी के नीचे के लोग अतल वितल तलातल पाताल रसातल, और दूसरे कदम से पृथ्वी के उच्च लोक जनलोक मरलोक स्वर्गलोक तपलोक सिद्धलोक और ब्रह्मलोक, जब अपने चरण से ऊपर के लोगों को माप नाप रहे थे, तब भगवान वामन देव का अंगूठा इस ब्रह्मांड के कवर को फोड़ दिया। इस ब्रह्मांड के कवर के ऊपर कारण समुद्र है, उस कारण समुद्र का जल उस छिद्र से नीचे आया। ब्रह्मा जी ने, क्योंकि सबसे ऊपर का लोक ब्रह्म लोक है, अतः कारण समुद्र के जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। ये दिव्य जल ब्रह्म लोक तक आया, परंतु ब्रह्म लोक से इस पृथ्वी पर अंशुमान जी नहीं ला पाए। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। राजा दिलीप ने बहुत प्रयास किया, तपस्या की, परंतु देवी गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला पाए। अंत में दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ जी ने अपनी तपस्या से देवी गंगा को प्रसन्न किया। देवी गंगा मूर्तिमान भगीरथ जी के सामने आई, बोले क्या है? बोले हे माते, आप ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर आइए। तब देवी गंगा ने 2 शर्त कही, मैं पृथ्वी लोक पर आऊंगी, परंतु मेरी 2 शर्त है। प्रथम शरत, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देवी गंगा ने कहा, कोपी धारयिता वेगम पतंत्या मे मही तले। भगीरथ जी, जब मैं ब्रह्म लोक से गिरूंगी, तब मेरा वेग प्रचंड गति से होगा, और ब्रह्म लोक से मैं पृथ्वी लोक पर गिरूंगी, मेरा तेज वेग होने के कारण पृथ्वी लोक को भेद कर मैं रसातल में चली जाऊंगी, और जो जीव नरक में है वह खामखा उनका उद्धार हो जाएगा, प्रकृति पलट जाएगी। अतः पहली शर्त मेरी यह है, ऐसी व्यवस्था करो जिससे मेरा वेग कम हो जाए। तब भगीरथ जी सोचने लगे। तुरंत भगीरथ जी उस समय कैलाश में शिव जी के पास गए, भोलेनाथ जी आपके शरण में आया हूं। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करी शिव दर्शन या। शिव जी के चरणों में गए, शिव जी को प्रसन्न किया, कहा भोलेनाथ जी आपके शरण में आया हूं, गंगा देवी ब्रह्म लोक से पृथ्वी लोक पर आना चाहती हैं, परंतु उनके वेग को रोकना है। शिव जी ने कह दिया, भगीरथ जी जाओ गंगा को जाकर कह दो, उस गंगा के वेग को रोकने के लिए मैं तैयार हूं, और गंगा को कह दो ब्रह्म लोक से वह गंगा सीधी मेरी जटा पर आए, मैं मेरी जटा पर, मैं गंगा को मेरे मस्तक पर धारण करूंगा। संतों ने प्रश्न उठाया, शिव जी चाहते तो अपने योग बल से किसी आसन पर, किसी वस्तु पर, किसी पत्थर पर गंगा को धारण कर सकते थे। शिव जी ने गंगा को अपनी जटा पर ही क्यों धारण किया? शिव जी ने यही सोचा कि जिस भगवान के चरण को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ध्यानी करोड़ों करोड़ों जन्मों तक ध्यान करते हैं, परंतु अपने ध्यान तक में भगवान के चरण को ला नहीं पाते हैं। योगी लोग यत्न करते रह जाते हैं, परंतु उस भगवान के चरण का दर्शन तक नहीं कर पाते हैं। यदि उस भगवान के चरणों से स्पर्श होकर निकला हुआ जल इस पृथ्वी पर आना चाहता है, तो क्योंकि वह जल भगवान के चरणों से स्पर्श हुआ है, इसलिए इस जल को तो मैं मेरे मस्तक पर धारण करूंगा, और वह जल मेरे मस्तक पर धारण करके मैं गंगाधर बन जाऊंगा, मैं धन्याति धन्य हो जाऊंगा। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, शिव जी का जो नाम है, शिव जी की जो महानता है, इसका कारण यही है कि अपने मस्तक पर गंगा को धारण किया है। यदि वो गंगा को धारण नहीं करता,
तो शिव को आज कौन पूछता है? न तो कोई सुंदर वेश है, मृग चर्म धारण लपेटे बैठे हैं, शमशान की भस्म लगाते हैं, न कभी स्नान करते हैं, न कभी बाल बनाते हैं, कोई घर नहीं है, संगति भी भूत पिशाच की करते हैं, शमशान में उनका स्थान है। धन्य है वह शिव जिन्होंने अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण किया, पवित्र हो गए, तीनों लोक में अमर हो गए। तो गंगा देवी की प्रथम शरत को पूर्ण की, और अब भगीरथ जी कहते हैं दूसरी शरत क्या है, बहुत कड़ी शरत। कहते हैं किम न चाहम न भूम यास्य नरा मैया मृजंत्यघम। गंगा देवी कहती हैं भक्तो, इसी गंगा के पुत्र हो गए देवव्रत पितामह भीष्म, अतः गंगा की कथा हम अभी से ही श्रवण कर लेते हैं। तो गंगा जी ने दूसरी शरत रखी जो बहुत कठिन थी। गंगा जी ने कहा जब मैं पृथ्वी लोक पर आऊंगी तो करोड़ों करोड़ लोग अपने अनेकों पाप लेकर आएंगे, मुझ में स्नान करेंगे, अपना सारा पाप मुझ में छोड़कर चले जाएंगे, वो तो पवित्र हो जाएंगे और मैं पाप वाली हो जाऊंगी। तो धीरे 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 मेरा पाप बढ़ते जाएगा, फिर मेरा पाप दूर करने वाला कौन होगा? पृथ्वी पर आने के लिए गंगा को भी डर लग रहा है, क्योंकि ये लोक ही ऐसा है, भरोसा नहीं मनुष्य का, और विशेष करके मनुष्य का है। आप हाथ में दाने लेकर गाय के या भैंस के पांव में डाल दो, कबूतर आएंगे तुरंत उसे खाकर चले जाएंगे, लेकिन हाथ में खड़े रहकर दाने खिलाने का प्रयास करो, भूल से भी एक कबूतर नहीं आएगा। मनुष्य के बाजू में कितना भी दाना पड़ा हो और खड़े रहकर कहो कबूतर कबूतर, नहीं आएगा। और मनुष्य को छोड़कर वह दाना किसी भी पशु के पास रख दो, तुरंत आकर खा लेंगे, क्योंकि आज पशुओं को अन्य जीवों को अन्य जीवों का उतना भय नहीं है जितना मनुष्य का है। परम पवित्र भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा को उतना भय नहीं जितना मनुष्य का भय है, बोले ये लोग मुझे अपवित्र कर देंगे, मुझे पाप वाली बना देंगे, तब मेरा पाप दूर करने वाला कोई इस पृथ्वी पर? तब भगीरथ जी ने बहुत सुंदर बात बताई, हे देवी मैं मानता हूं कि आप में स्नान करने के लिए अनेक पापी आएंगे, अपना पाप छोड़कर चले जाएंगे, परंतु आप गंगा में स्नान करने के लिए कभी कभी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त आया करेंगे, और जब कृष्ण के शुद्ध भक्त आपके जल में स्नान करेंगे तब आपके जल में जितना भी पाप है वे सारे पाप को धो डालेंगे, वे आपको पवित्र बनाकर चले जाएंगे, अतः आपको संशय करने की आवश्यकता नहीं। यह है भक्तों की महिमा, इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है गंगा र पर पश्चात पावन गंगा र पश्चात पावन। यदि गंगा से पवित्र होना है तो यहां से बोरीवली जाना होगा, और हरिद्वार तो एक ही ट्रेन जाती है, देहरादून 3 दिन में पहुंचाती है। देहरादून में बैठकर 3 दिन तक ट्रेन में बैठो, हरिद्वार उतरो, हर की पौड़ी जाओ और हर की पौड़ी के तट पर गंगा में स्नान करो, और वह भी श्रद्धा के साथ। यदि श्रद्धा नहीं है तो गंगा में स्नान करने के बाद भी कोई फल नहीं। तो विचार करो, यहां से ट्रेन में बैठो, संकल्प करो, श्रद्धा रखकर गंगा में स्नान करो, तब जाकर पवित्रता आती है। परंतु नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव का मात्र दर्शन कर लो, चाहे विरार में बैठे हो, मुंबई में बैठे हो, किसी वैष्णव को अपने आंखों से देख लो, हृदय में सारे पाप निकल जाएंगे और परम पवित्रता आ जाएगी।
दर्शन पवित्र करो एको मार्गो जी के दिन देवी गंगा ब्रह्म लोक से इस पृथ्वी लोक पर आई थी। यह है आज के दिन की छठी महिमा। अब संक्षिप्त में सुन लीजिए, समय हो चुका है, मैंने पहले ही कहा काल चक्र में हम लोग बंधे हुए हैं। और सत्य बताओ ना तो सुख का समय बहुत तुरंत निकल जाता है। क्या हमें यह भी ज्ञान रहा कि 2 घंटे बीत गए, लगता है 2 मिनट भी नहीं हुआ। यह है भगवत कथा की महिमा। 10 बज गए, 10 नहीं 10 20 हो गए। खैर इतना ही समझिए, आज का यह अद्भुत दिन, आज ही के दिन इस पृथ्वी के समस्त भार को दूर करने के लिए और सहस्त्र कवच असुर का वध करने के लिए धर्म के पुत्र के रूप में भगवान नर और नारायण का जन्म हुआ था। आज के दिन नर नारायण का जन्म हुआ और आज भी भगवान नर नारायण बद्रीनाथ धाम में उपस्थित हैं और वहां खड़े रहकर भारत में रहने वाले समस्त मनुष्य के बदले वे खुद तपस्या कर रहे हैं। भगवान नर नारायण ने सोचा भारत में रहने वाला और मुंबई में रहने वाला व्यक्ति इतना बिजी है, कथा में भी समय से नहीं पहुंच सकता है, क्या करे बेचारे परवश है। भगवान ने सोचा कि भारत में रहने वाले मनुष्य के बदले मैं तपस्या करूंगा। और भक्तों, यदि भगवान हमारे बदले तपस्या न करते तो यह संसार कब का जलकर राख हो गया होता, क्योंकि संसार में पाप कम नहीं हो रहे हैं। अरे जिस भूमि पर गायों को काटा जा रहा हो, गाय का खून गिर रहा हो, वो भूमि स्थान पर नहीं रह सकती है, कब का प्रलय हो चुका होता। परंतु धन्य है कि भगवान हमारे बदले तपस्या कर रहे हैं। संतों ने कहा है कि हम मनुष्य के भारत वर्ष में रहने वाले मनुष्य के लिए भगवान नर और नारायण बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रहे हैं। यदि साल में एक बार हम भगवान नर नारायण के पास बद्रीनाथ धाम में जाकर भगवान को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, तो उनकी तपस्या का सारा फल हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे परम फलदायी भगवान नर नारायण का जन्म आज ही के दिन हुआ और आज ही के दिन आठवीं महिमा, आज ही के दिन समस्त देवता भगवान नर नारायण की पूजा करने के लिए बद्रीनाथ धाम में अवतरित होते हैं और बद्रीनाथ धाम का द्वार अक्षय तृतीया के दिन खुल जाता है। पूरे वर्ष तक बंद रहता है, आज ही के दिन खुलता है। अक्षय तृतीया अद्भुत तिथि, छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। आज के दिन की 9वीं महिमा, आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण आज नाथ द्वारा में भगवान श्रीनाथ जी उपस्थित है। साक्षात स्वयंभू भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा प्रस्थापित विग्रह, ये कोई किसी ने बनाए नहीं है। नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी हैं ये कोई बनाने नहीं गया, स्वयंभू माधवेंद्रपुरी को भगवान ने स्वप्न दिया कि मैं इस पृथ्वी में गड़ा हुआ हूं, आप मुझे बाहर निकालिए। माधवेंद्रपुरी ने बाहर निकाला और गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में उनकी प्रस्थापना की और फिर अंग्रेज मुसलमानों के भय से, औरंगजेब आदि मुसलमानों के भय से उस भगवान श्रीनाथ जी को, गोपाल जी को गोवर्धन से श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में लाया गया। परंतु उस श्रीनाथ जी ने, गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को आज ही के दिन कहा था कि हे माधवेंद्रपुरी जी, गर्मी की ऋतु प्रारंभ हो गई है, आपने देखा ना आज ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हुई,
और आज ही के दिन भगवान श्रीनाथ जी ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में कहा था कि गर्मी की ऋतु प्रारंभ हो गई है, मुझे गर्मी लग रही है, अतः आप मेरे पर चंदन का लेप करो, चंदन बहुत शीतल होता है। तो मलई पर्वत का चंदन माधवेंद्रपुरी लाने के लिए निकले। आज से भगवान के शरीर पर चंदन लगाया जाता है एक महीने तक। भक्तों का यह भाव है, भगवान कोई पत्थर नहीं है, जैसे हम हमारे बालक से प्रेम करते हैं उसी प्रकार भगवान एक संवेदनशील व्यक्ति है जिसका ध्यान रखना होता है, उसे गर्मी न लगे, चंदन शीतल होता है, अतः भगवान के ऊपर आज से चंदन का लेप लगाया जाता है। और साक्षात श्रीनाथ जी ने अपने मुख से कहा है कि आज से मुझ पर चंदन का लेप लगाओ। तो आज से चंदन यात्रा प्रारंभ होती है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, इस्कॉन में। आज से समस्त मंदिरों में भगवान श्री राधा कृष्ण को चंदन लगाया जाता है। और भक्तों आज के दिन की दसवीं महिमा, आज ही के दिन भगवान का अन्य एक अवतार हयग्रीव अवतार हुआ था। ब्रह्मा जी के हाथों से मधु और कैटेव नाम के असुर ब्रह्मा जी से वेद चुरा कर भाग गए। ब्रह्मा जी के वेदों की रक्षा करने के लिए आज ही के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव नामक अवतार धारण किया। और आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन सतयुग और त्रेता युग की का प्रारंभ हुआ। सतयुग की अवधि अक्षय तृतीया से प्रारंभ होती है और त्रेता युग की अवधि आज ही के दिन अक्षय तृतीया से प्रारंभ होती है। और भक्तों आज हम सब भागवत कथा सुनने के लिए जुटे हैं, इसलिए 13वीं और अंतिम अक्षय तृतीया की महान महिमा सुनिए। आज ही के दिन श्री वेद व्यास जी ने गणेश जी को कहा था कि अब मैं श्रीमद् भागवत बोलने जा रहा हूं, गणेश जी अब आज ही के दिन से आप श्रीमद् भागवतम को लिखना प्रारंभ कीजिए। आज अक्षय तृतीया के दिन से ही गणेश जी ने श्रीमद् भागवत को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया और वेद व्यास जी ने इसका उच्चारण करना प्रारंभ किया। तो भक्तों आज श्रीमद् भागवत का प्रथम दिन है और प्रारंभ में मैंने आपको कहा किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए देश, काल और पात्र। तो देश परम सुंदर भारत भूमि, सुसंस्कृत परम पवित्र भूमि हमारे पास, और परम सुंदर काल है। वैसे तो भगवत कथा भगवत नाम लेने के लिए काल देखा नहीं जाता है, क्योंकि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को क्या कहा कि जिस समय भगवान राम राजा बनेंगे वही सबसे अच्छा काल होगा। हम जिस समय में भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम ले, वही सबसे अच्छा काल। लेकिन भगवान का योग कि यहां विरार के भक्तों को एक कथा का फल देना नहीं चाहते थे, 1000 कथा का फल एक ही कथा सुनकर देना चाहते थे, इसलिए आज अक्षय तृतीया। तो बहुत सुंदर देश है, बहुत सुंदर काल है, परंतु एक गड़बड़ी है, कथा सुनने के लिए पात्र अच्छा नहीं है। मेरे अलावा यदि कोई अच्छा वक्ता होता तो ठीक रहता था, परंतु अब क्या करें। गुजराती में कथा कहावत है ना, नहीं मामा करता काणो मामो शू खोटो। तो हम कोई शुद्ध भक्त नहीं है, कोई पवित्र व्यक्ति नहीं है, न तो हमारे अंदर कोई भाव है, न भाषा है, हम एक साधारण आदमी हैं। परंतु इतना आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि हम जो भी बोलेंगे शास्त्र से बोलेंगे, यहाँ पर जो भी वर्णन होगा शास्त्र की बातों का वर्णन होगा, और यहाँ पर जो भी कार्य होगा एकमात्र कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होगा। और जहां कृष्ण प्रसन्नता हेतु कार्य होता है ना, वहां कितनी भी त्रुटियां भी क्यों ना हो, भगवान त्रुटियां नहीं देखते हैं, भगवान तो अपने भक्त का भाव देखते हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप सब भागवत प्रेमी, धर्म प्रेमी, सनातन धर्मी, श्रद्धालु भक्तों के चरणों में नम्र निवेदन है कि आज से श्रीमद् भागवत कथारूपी गंगा यहाँ से बहना प्रारंभ हो गई है। बस
अब इस गंगा में जितना हो सकता है उतना गोता मारो। गाते हैं ना, आवो भाइयों आवो बहनों कथा गंगा ना वो, आओ भाइयों आओ बहनों कथा गंगा ना वो, आओ भाइयों आओ बहनों कथा गंगा ना वो, आओ भाइयों आओ बहनों कथा गंगा ना वो, वैष्णव थवा माटे लेवाजे कीजिए। हमारे पास समय बहुत कम है, नहीं तो गान भजन कथा कीर्तन सब होता लेकिन हम सब लोग समय की मर्यादा में बंधे हैं, समय अतिक्रमण हो चुका है। श्रीमद् भागवत की आज संक्षिप्त में महिमा, अक्षय तृतीया के दिन ही वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया। अब कल हम सब लोग बद्रीनाथ में पहुँचेंगे जहाँ पर वेदव्यास जी बैठे हैं, मन विचलित हैं, नारद मुनि का उपदेश होगा, भागवत का संकलन होगा और फिर श्रीमद् भागवत के द्वारा पितामह भीष्म का चरित्र और पितामह भीष्म के द्वारा स्तुति। सभी भक्तों से निवेदन है समय से आ जाइए, भाव से आइए और आते समय भागवत जी को प्रणाम कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, धैर्य से कथा सुनिए और कथा के बाद सभी भक्तों के लिए हमारे भक्तों ने बहुत बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था की है। हमारे इस्कॉन में प्रसाद माने ये वाला प्रसाद नहीं, ये वाला प्रसाद पेट भर कर। तो घर पर चिंता नहीं है, अपने पतियों को कह दीजिए ऑफिस से सीधे कथा में आइए, भक्तों ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है। तो और वेकेशन भी चल रहा है, अपने बच्चों को बहुत सुंदर संस्कार मिलेंगे, बच्चों के लिए, माताओं के लिए, प्रभु जीओं के लिए, सब के लिए बहुत सुंदर अवसर है। भागवत रूपी गंगा में स्नान कीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा प्रस्तावित 7 दिवसीय भागवत कथा में आए हुए सभी भागवत प्रेमी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और सर्वप्रथम हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी का, जिनके मुखारविंद से आज इस परम पवित्र तिथि अक्षय तृतीया का और इस तिथि को पवित्र बनाने वाली भगवान की और भगवान की लीलाओं का आज हम सभी ने यहाँ पे श्रवण किया। तो आइए बड़े उत्साह के साथ महामंत्र के द्वारा हम उनका अभिनंदन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कथा के आयोजन में अनेक अनेक भक्तों ने हमारा सहयोग किया है, यहाँ पे इस कथा को सफल बनाने के लिए इतना विस्तार से जो आयोजन हुआ है। तो मैं सर्वप्रथम विनंती करता हूँ श्रीमान डॉक्टर बड़े प्रभु से कि वे कृपया यहाँ मंच पे आए और हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी के हस्त कमलों से भगवान की छवि एवं पुष्पहार आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करें। पुरुषोत्तम बड़े प्रभु आ रहे हैं, आइए महामंत्र से इनका हम स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ मैं विनंती करता हूँ पुखराज प्रभु से विनंती है कृपया यहाँ मंच पे आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुखराज वैष्णव प्रभु से मेरी विनंती है कृपया मंच पे आए और साथ ही साथ मैं विनंती करता हूँ रसिक प्रभु जो बाहर सेवा में हैं उनसे भी मेरी यह विनंती है कि रसिक प्रभु तुरंत यहाँ मंच पे आ जाएं। आज के इस सुंदर आयोजन में इन सभी भक्तों ने बहुत ही सुंदर भूमिका निभाई है, तो रसिक प्रभु और पुखराज प्रभु यहाँ आ रहे हैं। तो आइए बड़े उत्साह के साथ महामंत्र से हम उनका स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रसिक प्रभु जब तक यहाँ मंच पे आए तब तक आप सभी भक्तों के लिए एक सूचना
छोटे बच्चों के साथ जो भी माताएं हैं उनसे हमारी यह विनंती है कि आप सभी अपने बच्चों का ध्यान रखिए। रसिक प्रभु यहाँ उपस्थित हैं तो रसिक प्रभु का हम आभार व्यक्त करेंगे महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुखराज प्रभु ने भी बहुत सुंदर यहाँ पे हमें हमारी मदद की है तो पुखराज प्रभु का भी हम महामंत्र से स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रसिक प्रभु और श्रद्धा माता जी से विनंती है मंच के पास बने रहें, डॉक्टर साहब से भी विनंती है मंच के पास बने रहें। जैसा मैंने जन्म मृत्यु मय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख तारिणी, सेवत सतत सकल सुख तारिणी, सुम हो सती हरि चरित गाने की, सुम हो सती हरि चरित गाने की, आरती अति पावन पुराने की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाश, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।